Click the subscribe button and press the bell icon for more updates. Welcome all to my channel All in One. दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़, रिलायंस जियो अपनी समर सरप्राइज ऑफर को वापस ले सकता है क्योंकि ट्राई ने रिलायंस जियो को एक एडवाइस दिया है कि आप अपनी समर सरप्राइज ऑफर को विदड्रॉ कर लें। तो इस वीडियो में आगे यही बताने वाला हूँ और दोस्तों इसका प्रूफ भी है मेरे पास। दोस्तों ये वो लेटर है जो रिलायंस जियो ने अभी अभी एक सर्कुलर जारी किया है और इसमें बोला है कि 303 वाले जो प्लान लाए थे उसमें 3 महीने तक आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिलती, पर आज अभी ट्राई ने रिलायंस जियो को एक एडवाइस जारी किया है कि आप अपनी 3 महीना फ्री सर्विसेज को नहीं दे सकते और इस एडवाइस को रिलायंस जियो ने मान भी लिया है। रिलायंस जियो अपनी समर सरप्राइज ऑफर में 3 महीने जो फ्री देने वाले थे वो अब नहीं देंगे। दोस्तों रिलायंस जियो अपनी समर सरप्राइज ऑफर को 1-2 दिन में वापस ले सकता है। जिन लोगों ने समर सरप्राइज ऑफर को ऑलरेडी रिचार्ज करा लिया है उन लोगों को तो समर सरप्राइज ऑफर मिल जाएगी और नया लोगों के लिए ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक रिचार्ज नहीं कराया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आज रात 12 बजे से पहले रिचार्ज करा लीजिए क्योंकि कल से शायद आपको ये नहीं मिलेगा। कल रिलायंस जियो अपने समर सरप्राइज ऑफ़र को विदड्रॉ कर सकता है। दोस्तों जियो तो फ्री में देना चाहता है अपने फ्री सर्विसेज को, पर रिलायंस जियो नहीं दे पा रहा है क्योंकि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियों ने लगातार ट्राई में जियो के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा था। फाइनली आज ट्राई को ये एडवाइस देना पड़ा, आप अपने समर सरप्राइज ऑफर को नहीं दे सकते। तो 1-2 दिन में आपको फाइनल कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल सकता है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में मुझे यही बोलना था, मिलते हैं अगले वीडियो में।